योर हिंदी वर्कबुक रिमझिम ओपन योर फर्स्ट चैप्टर मन के भोले भाले बादल कल्पना सिंह राइटर पाठ आधारित प्रश्न नंबर वन उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए आई बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं चिड़िया के समान परियों के समान पक्षियों के समान जोकर के समान परियों के समान यहाँ पर राइट देना है बादल के थैले में क्या है पत्थर धुआं पानी ओस पानी पर राइट देना है बादल क्या बजाते हैं ढोलक और ढोल शहनाई और तानपुरा मृदंग और तबला सितार और सारंगी क्या बजता है ढोलक और ढोल बादल कहाँ बाढ़ लाते हैं घर में समुद्र में छत पर नदी नालों में कहाँ पर बाढ़ लाता है नदी नालों में नंबर टू सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए बादल के गाल गुब्बारे जैसे हैं राइट है कुछ बादल बिना कुबोर वाले ऊंट जैसा दिख रहे हैं रंग है बादल किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं राइट नंबर थ्री वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए रह रहकर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल ओके राइट सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए नंबर आई बादल रह रहकर क्या आ जाते हैं कमरे में थैलों में छत पर कहाँ जाते हैं छत पर राइट कभी को बादल कैसे लगते हैं भले बुरे स्वार्थी कैसे लगते हैं कभी को भले नंबर टू उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए बादल कभी कभी डेस्क बन जाते हैं जिद्दी जिद्दी नंबर टू बादल का मन डेस्क है भोले भाले नंबर थ्री एक वाक्य में उत्तर दीजिए बादल चुपके से कौन सा काम करते हैं बादल चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं नंबर टू बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं बादल जिद्दी बनकर बाढ़ लाते हैं अति लघु अतिरिक्त प्रश्न नंबर वन बादल झूम झूम कर क्या कर रहे हैं आसमान में दौड़ते हैं बादल किस प्रकार पानी बरसा रहे हैं बादल झरझर झरझर पानी बरसा रहे हैं नंबर थ्री बादल छत पर आने के बाद क्या कर रहे हैं ऊपर उड़ जाते हैं लघु अतिरिक्त प्रश्न बादल किस रूप रंग और आकार के हैं बादल झब्बर बाल गुम्बारे गाल और काली आकार नंबर टू कविता में बादल की शेर से किस प्रकार तुलना की है गई है शेर जैसा जोर से चिल्लाता है बादल ऐसा गरजता है बादलों को मन के भोले भाले बादल क्यों कहा गया है बादल लोगों को बहुत परेशान करते हैं फिर भी बहुत अच्छे हैं ठीक है दीर्घ अतिरिक्त प्रश्न बादल किन किन प्राणियों के समान प्रतीत हो रहे हैं कविता में उन प्राणियों को क्या क्या विशेषताएं बताए गए हैं बादल जोकर हाथी ऊंट शेर परी के साथ तुलना की गई है यहाँ पर लिखना संभव नहीं है तो इस पशु को क्या क्या विशेषता है तुम अपने कॉपी में लिखना ठीक है कविता में बादल के किन किन वाक्यों का उल्लेख किया गया है बिजली कड़कना झुमझुम कर पानी बरसना नदी नालों पर बाढ़ लाना भाषा अतिरिक्त प्रश्न नंबर वन निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए कुबड़ ऊँट अपनी कुबड़ पर पानी स्टोर कर रखता है तूफानी हमारे गांव में तूफान आया था नंबर टू कविता में झब्बर और गुम्बारे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो दोनों शब्द को व्यंजन ब से निर्मित है नीचे दिए गए दो व्यंजनों से नए नए शब्द बनाइए ककक्क ककक्क लगाकर एक एक वार लिखिए
कक्कू मैं कैसे लिखाएं, कक्कू कक्कू, चच च चम्मच, मम्मा मम्मा अम्मा, तुम यहाँ पर अपने आप पे एक एक वर्ड लिखना है, ठीक है। नंबर थ्री, दिए गए संकेत की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। संकेत, परी सी सुंदर लड़की, हाथी सी बड़ा दीवार, जोकर जैसा चेहरा, गुम्बारे गुम्बारे गोलगाल, शेर शेर से मजबूत बादल। नंबर फोर, कविता में जाते लाते जैसे समान पंक्तियों वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द तुम तुक वाले शब्द कहलाते हैं। कविता में से छाट कर तुक वाले शब्द लिखिए। पानी शैतानी, उठाए लगाए, गालो बालो। नंबर फाइव, कविता में पानी बरसने की आवाज़ झरझर झरझर बताई गई है। नीचे दिए गए संकेत के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। छुक 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 छुक, छम 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 छम, फर 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 फर, सन 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 सन, कल 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 कल। उदाहरण, पानी बरसता है झरझर झरझर। नंबर वन, नदी बहती है कल 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 कल। हवा बहती है सन 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 सन। पायल बजती है छम 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 छम। रेल चलती है छुक 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 छुक। कागज उड़ते हैं फर 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 फर। पाठ के आसपास, आसमान में बादल कभी सफ़ेद कभी काले कभी नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है, विचार कर लिखिए। अपने आप ये प्रश्नों का उत्तर बुक्स पर लिखिए, ठीक है। ओके, फिनिश दिस, राइट योर होम प्रैक्टिस।